अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वाते कप्तान 11 का ओवरसीज खिलाड़ी हूँ। पिछले 2 साल अपने घर वालों से ज्यादा मैंने वक्त आप लोगों के साथ गुजारा है। आप लोगों के साथ हंसा, आप लोगों के साथ रोया, आप लोगों के साथ जलसे अटेंड किए और आप ही लोगों के साथ नारे भी लगाए। एक अलग दुनिया में रहते थे हम लोग। फिर एक शख्स ऐसा आया उठ के कि उसने ये कहा कि जिस धरती में तुम्हारे बुजुर्गों का खून शामिल है उस धरती पे तुम्हें वापस लेके आऊंगा। इसके साथ ही उसने आप लोगों से हमारा रिश्ता जोड़ा। आपका और मेरे बीच का रिश्ता वही मोहब्बत का रिश्ता है, ला इलाहा का रिश्ता है जो उस इंसान ने हमारे बीच में मजबूत किया। हर वो शख्स जिसने कप्तान की गाड़ी को अपने जिस्मों से ढाल बनाया, जिसने अपनी माँ बहन बेटी की इस्मत के आगे सीसा पलाई दीवार की तरह वो डट के खड़ा हुआ, हर वो इंसान जिसने वो झंडा लहराया, जिसने वो गुब्बारे उड़ाए, जिससे फस्ताई निजाम की टांगे कांप गईं, वो मेरा भाई, वो मेरा बच्चा, वो मेरी बहन और वो मेरी माँ है। मेरी गैरत किस तरह से गवारा कर ले कि मेरे भाई, मेरी बहनों, उनकी आगे नस्लें जो है वो महज सियासतदानों की गाड़ी के आगे पीछे भागने के लिए रह जाए। नहीं, उनके बच्चे उसी सरजमीन पे, नए पाकिस्तान में, कप्तान के पाकिस्तान में आजादी के साथ स्कूल जाएंगे, इज्जत से यूनिफॉर्म पहन के। गरीबों का खून चूसा नहीं जाएगा, उनको आरामदेह बिस्तर और उनको खाना दिया जाएगा। कोई सच बोलने वाला अरशद शरीफ या जिले शाह नहीं हो जाएगा। किसी माँ की वीडियो बेटे के सामने फटे कपड़ों में नहीं आएगी। किसी बहन को उसके भाई के सामने बेइज्जत नहीं किया जाएगा। वो एक मजबूत और सेफ पाकिस्तान होगा जहाँ पे आवाज उठाने की, सवाल करने की इजाजत होगी, जहाँ पे हर किसी की इज्जत होगी, जहाँ हर किसी के पेट में रोटी होगी, तन पे कपड़ा होगा, जहाँ रियासत इन सब की हिफाजत करेगी। मैं आज खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि इस मैच में मैंने अपनी इनिंग पूरी ईमानदारी से खेली है। आज हमारा वक्त खत्म हुआ। आज ये सब आप लोगों के हाथ में। आप लोगों ने कभी मायूस नहीं किया। आप लोग उन हालात में निकले हैं जब उम्मीद भी नहीं होती थी। कितने बेगुनाह हैं, उनको जेल से बाहर निकालना है, कप्तान को जेल से बाहर निकालना है, ये अब आपके हाथ में। मेरी अपने भाइयों से अपील है, बहनों से, माओं से, निकले निकले और दिखा दे दुनिया को हक की ताकत, सच की ताकत, ईमान की ताकत। हमारी जीत तो आसमानों पे लिखी है, बस दुनियावी कागजों में उसको रकम करना है। बता दे इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड खुदाओं को कि शऊर का इनकलाब बम बंदूकों, तोपों, तशद्दुद और झूठ का मोहताज नहीं। बिना गमला और बिना कोई पत्ता तोड़े ये तारीख का वो इनकलाब होगा जो दुनिया देखेगी। जाओ मेरे पाकिस्तानियों, निकलो। अल्लाह तुम्हें 313 का लश्कर बनाए। अल्लाह तुम्हें कदम कदम पे कामयाबी दे। अल्लाह तुम्हें सुरखरू घरों को वापस लेके आए। अल्लाह की अमान में जाओ, हमारे कप्तान को वापस लेके आओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा वजीर आजम इमरान खान।